सूचना तकनीक ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। अब उसने भारत के हर गांव में भी दस्तक दे दी है। शहर की तरह गांव भी उसका उपयोग कर पाएंगे, उससे ताकत पाएंगे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त प्रयास से कॉमन सर्विस सेंटर यानी नागरिक सुविधा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र समस्त शासकीय, अशासकीय, सामाजिक और व्यावसायिक सेवाओं को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का एकमात्र केंद्र होंगे। मध्य प्रदेश में इन सेवाओं को गांव गांव तक पहुंचाने का दायित्व दिया गया है AISECT को। हमारे देश में यदि हमें लोगों तक पहुंचना है तो केंद्रों को पंचायतों तक पहुंचना होगा। ये तमाम सेवाएं प्रदान करेंगे, तमाम फ्रंट एंडिंग का काम करेंगे। इसमें शासकीय सेवाएं भी होंगी, गैर शासकीय सेवाएं भी होंगी। दूसरी बात, ये मॉडल जो है ये अपने AISECT के मॉडल के आधार पर ही है। ये मल्टीपर्पज मॉडल है जिसमें सेवाओं पर काफी जोर है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के 9,334 नागरिक सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। ये सभी केंद्र सूचना क्रांति के लाइट हाउस हैं, जिनसे गांव-गांव प्रकाशित हो सकेगा। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण गुर्जर है। मैं ग्राम बहिरिया गदगद, जिला सागर रहने वाला हूँ। मैंने ग्राम बहिरिया गदगद में ई ज्ञान सूचना सेवा केंद्र खोला है। ई ज्ञान सूचना सेवा केंद्र के शासन का एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हर एक गांव में कंप्यूटर होने से गांव का बच्चा, बूढ़े, सयाने सब शिक्षित हो जाएंगे और एक आज कंप्यूटर के युग में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। शासन की योजना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये स्कीम चलाई। भी मैंने जातीय निवास प्रमाण पत्र निकालना चालू कर दिया, बिजली का बिल और फोटो भी खींचते हैं, फोटो स्टूडियो है, इंटरनेट कैफे है। इस केंद्र पर लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्रामीण भी बहुत आशान्वित है। जी, मेरा नाम अर्चना गुर्जर है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। और इस सेंटर से खुलने से हमारे ग्रामीण भाइयों को बहुत फायदा हुआ है। क्या है, जैसे हम लोगों को कभी पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए पड़ती है तो सिटी जाना पड़ता है, तो वो यहाँ से उपलब्ध हो रही है। और आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे मिलते हैं, मतलब अपन लोग निकलवा लेते हैं। जो मार्कशीट वगैरह की फोटोकॉपी चाहिए तो दूर नहीं जाना पड़ता, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यवस्था हो गई है, तो हमारे बच्चों को यहीं पे भी सुविधा मतलब मिल जाती है। मेरा नाम अजय राठौर है, मैं ग्राम बहिरिया का रहने वाला हूँ। और यहाँ तहसील के भी काम बहुत से निपट जाते हैं और सिटी जाना पड़ता था, वो भी सुविधा हल हो गई अपनी। यहाँ खुलने से बहुत बढ़िया रहेगा और बच्चे भी शिक्षित हो जाएंगे। यहाँ बीज खाद की न्यूज भी यहाँ मिल जाती है अपन के लिए इंटरनेट से। हाँ, मंडी के भाव भी पता चल जाते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, कितना रेट है, वो अपन यहाँ इंटरनेट पर देख लेते हैं। यहाँ से अपन पूरी जानकारी मिल जाती है। हर चीज के बाजार हैं जो इंटरनेट से सब मिल जाती है। AISECT की गुमटी है, हम लोग के लिए बहुत फायदा है और आगे चलकर फायदा होगा।